सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, पहला बीट मार्क प्रीसेट, दूसरा इफेक्ट प्रीसेट। दोनों को आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले थोड़ा सा आगे जाना है, जहां पे आपका पहला बीट मार्क है वहां पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड करते हैं। तो वीडियो को ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा जाना है, जहां पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहां पे आपको आ जाना है। फिर आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करना है और आपको यहां पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहां पे दो लेयर देखने को मिलेगा, एक शेप और एक फोटो, दोनों को आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहां पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहां पे आपको जाना है। फिर आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है और आपको पेस्ट टू लेयर पर क्लिक करके दोनों को आपको यहां पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको कलर एंड फिल पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां प्लस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहां पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहां पे आपको जाना है। फिर आपको शेप को सिलेक्ट करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहां पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके बेस्ट पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर आपको इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको कॉपी लेयर पे क्लिक करके दोनों को आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट टू लेयर पे क्लिक करके दोनों को आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको इस वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट वाले फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है और आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहां पे आपको आ जाना है। इसके बाद फिर आपको शेप को सिलेक्ट करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहां पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर से आपको स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहां पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसी तरह से आपको कॉपी पेस्ट करके एंड तक फोटो ऐड कर लेना है। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि एंड तक हम अपना सारा फोटो ऐड कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको बैक करना है और आपको इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे चार लेयर देखने को मिलेगा, चारों लेयर को आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, फिर आपको पेस्ट फोर लेयर पे क्लिक करके चारों को आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो फाइनली आपका वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा, हम कुछ देर वेट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ से बोले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।